यार सिम स्टैंग पे तो मेरा दिल आया हुआ है, और कुछ चोरी करूँ ना करूँ, सिम स्टैंग हम बाद में चोरी कर लेंगे, चुका सिगरेट सब ऐसे वाले, तो इनसे बातचीत करते हैं, इनको हम बाहर ही खड़ा करते हैं अभी। भाई शॉप क्या बाइक खड़ी हुई है, गोस्ट राइडर जैसी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे, इनको पेमेंट शेमेंट हमने कर दिया, हम जल्दी से चलते हैं यहाँ से, गाड़ी हम लेके जा सकते हैं, और इस बंदे ने कहा कि मेरा नाम नहीं चोरी में, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हम भी गाड़ी लेके जल्दी से चलते हैं, सबसे पहले जाते हैं अपने घर, वहाँ से चेंज करते हैं कपड़े, उसके बाद जाके हम लेते हैं गुस्से की बॉम्ब ले। तो हमने थीफ वाले कपड़े पहन लिए। हाँ, ये वही कपड़े हैं जो हमने पुरानी कार रॉबरी में यूज़ किए थे। एक ही कपड़े हैं लेकिन चलाएंगे, और उन तीनों को हमने कैसे सिक्योरिटी के कपड़े पहने ताकि हमें कोई इशू ना हो। तो उन्हें हम बाहर रखेंगे पुलिस वगैरह का संभालने के लिए, और हम जाके बैंक की हाइश करेंगे। तो जल्दी से हम पहले जाते हैं गन वाली शॉप पे, वहाँ पे हमने स्टिकी बॉम्ब लेने हैं और कुछ एमओ शेमो लेनी है। तो हम यहीं पे गाड़ी को टेस्ट करते हैं, हाई कितनी एंड तक जा सकती है। हम पूरी कोशिश करेंगे। ओ भाई साहब, बस आ गई थी, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे यार। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा हम कर ही लेंगे। और ये मैक्स 193 तक गई थी, आगे जा सकती थी, लेकिन आगे गाड़ी आ गई थी और शॉप भी आ गई थी। तो हम यहाँ से यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और फिर जा कर लेते हैं एमओ की फॉर्म। कम इन सर, टेल मी, यू हैव समथिंग टू यूज ऑन योरसेल्फ और अदर्स? I can tell we are gonna get along famously. तो ये वाले सिक्की बॉम्ब है, ये वाले हमें चाहिए होंगे, उधर गेट पे भी लगाने होंगे और अपनी गाड़ी पे भी लगाएंगे, क्योंकि हमें गाड़ी ब्लास्ट करनी पड़ेगी ताकि कोई सबूत ना रहे। वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं, हम जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। रास्ते में वो हमारा वेट कर रहे हैं, वो तीनों गाड़ी के पास खड़े हुए होंगे। तो मेरे ख्याल से ये तीन खड़े हुए हैं, हम जल्दी से गाड़ी इनके आगे लगा लेते हैं। भाई साहब, चार गाड़ियाँ एक जैसी, क्या प्रोटोकॉल लग रहा है। और सिक्योरिटी के ड्रेस में ये, इनके पास भी गन शन है पुलिस को संभालने के लिए। तो इनसे बात वगैरह होगी हमारी, अब हम यहाँ से चलते हैं इनको साथ लेके बैंक पहुँचते हैं। इनको हम बैंक के बाहर रखेंगे ताकि पुलिस, जैसे ही हम बैंक के अंदर चोरी करने जाएंगे तो अलार्म बज गया तो पुलिस आएगी, तो उनको संभालने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी और हम पीछे से निकल जाएंगे। अब हम चलते हैं जल्दी से बैंक पहुँच कर, फिर आपसे मिलते हैं। तो हम बैंक पहुंच गए, हम गाड़ी अपनी पीछे वाले गेट के पास खड़ी करेंगे, और ये लोग अपनी गाड़ी पे बॉम्ब लगा के आ गए। रिमोट हमारे पास है, तो ये वाला गेट है जिससे हम निकलेंगे। ये तीनों भी आ गए, इनको हम बाहर ही खड़ा करते हैं, अंदर जाके हम ट्राई करेंगे किसी को मारे ना, हम गन सिर्फ डराने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे साथ पंगा ना ले तो।
तुम्हारे पास एक शॉक वाली गन है, हम उससे यूज़ करेंगे, इससे मरेंगे नहीं लेकिन बेहोश हो जाएंगे। और दो गार्ड हैं और बाकी सारे छुट्टी पे थे, तो आज का दिन बेस्ट था। चलो चलो सारे अंदर जाओ अंदर, हमने इस कमरे में इनको कर दिया। ओ भाई साहब गोली गुंज चला रहा है, लगता प्यार की बात ही समझेंगे, हमें भी गन निकालनी ही पड़ेगी। बस तुम्हारी है तीन तरसी, वो जिस चीज़ का डर था किसी ने अलार्म बजा दिया, तो अब हम इसको मारते हैं या फिर छोड़ें, हमारे पास टाइम नहीं है, जा के हम अपनी रॉबरी करते हैं। तो यहाँ पे हम शकी बॉम्ब लगाएंगे और उससे हमारा गेट ओपन हो जाए। तो हमारे तीनों जो बंदे थे हमारे साथ वो बाहर खड़े हुए हैं, पुलिस को संभालेंगे, वो हमारे पास फोर्स स्टार, हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। सारा पैसा हमें लेस्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, फिर लेस्टर हमें इसमें से हिस्सा देगा क्योंकि सारी प्लानिंग उसने की थी। अब हम जल्दी इसको हैक करने की कोशिश करते हैं। फाइनली ये हैक हो ही गया, बड़ा मुश्किल काम था, देखने में तो आसान लग रहा था। फिर लेस्टर ने हमें डिवाइस दी थी, इसकी मदद से हमने इसको हैक कर लिया। अब हम जल्दी से अंदर जाते हैं और पैसा जितना भी अपने बैग में डालते हैं। भाई साहब कितना पैसा है इनके पास, जल्दी से हम इसको अपने बैग में डालते हैं, लेकिन हमें इसमें से बहुत कम पैसा मिलने वाला है क्योंकि लेस्टर ने प्लानिंग की थी। फिर आगे हमारे साथ तीन बंदे और थे, उनको भी हिस्सा देना है। फिर आगे लेस्टर की जिम्मेदारी, हमारे पीछे पुलिस नहीं लगी, तो पुलिस को भी हिस्सा देना पड़ेगा, तो इसी वजह से हमें इसमें से बहुत कम पैसे मिलने वाले हैं। तो लेस्टर ने हमें कोई $1,00,000 का कहा है, हमें $1,00,000 देगा। तो अब यहाँ से पीछे फायर एग्जिट से निकलते हैं बाहर और पुलिस हमारे पीछे। भाई साहब इतनी पुलिस आई हुई है, बस हमें ना देखे हमें निकलना पड़ेगा। तो शिट पुलिस ने हमें देख ली है, लेकिन हम भाग सकते हैं, हम ट्राई करेंगे हम बाहर जाएं। गाड़ी तो हमारे पास पुलिस वालों से तेज़ है, भाई साहब हर तरफ पुलिस ही पुलिस, हेलीकॉप्टर भी आ गए पुलिस के। लेकिन लेस्टर ने इसका भी प्लान किया हुआ है, हमें एक लोकेशन उसने भेज दिया, वहाँ पे हम पहुँचेंगे इस गाड़ी को, वहाँ पे हमें ब्लास्ट करना होगा, वहाँ पे हमें दूसरी गाड़ी मिलेगी। इसी गाड़ी में हम जैसे ही बैठेंगे पुलिस को पता भी नहीं लगेगा और हम वहाँ से निकल जाएंगे और पैसा लेके हमें लेस्टर के घर जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे अगर गाड़ी ब्लास्ट होगी तो किसी को समझ भी नहीं आएगी। और ये सारे लोग हमारे साथ मिले हैं, और ये गाड़ी हमारे लिए लेस्टर ने छोड़ी है, ये तो कल्टस है। तो हम जल्दी से इस पर शिकी बॉम्ब लगाते हैं, फिर इनको ब्लास्ट करना पड़ेगा। यार इसको ब्लास्ट करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलना चाहिए। तो हम जल्दी से कल्टस में बैठते हैं, कल्टस में बैठ के जाएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा कि रॉबरी कर रहे हैं। कल्टस में पहले कपड़े चेंज करने पड़ेंगे हमें, ताकि किसी को शक ना हो।
हम इसको अपने घर भी लेके जाएंगे, फिर उसके बाद हम लेस्टर को पैसे देने जाएंगे। हम गाड़ी ब्लास्ट करते हैं यार, इस गाड़ी को ब्लास्ट करते हुए बड़ा दुख हो रहा है। तो हम जल्दी से अपने घर जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर लेस्टर के घर जाएंगे। तो सब बंदे अपने साथ मिले हुए हैं, पुलिस हमारे पीछे से हट चुकी है, पुलिस वाले भी हमारे साथ ही मिले हुए हैं, उन्हें भी लेस्टर ने पैसा दिया है। कल्टस भी गाड़ी ठीक है, हमारी आल्टो से ज़्यादा स्पीड है इसकी, और गाड़ी भी बहुत बड़ी है आल्टो की नस्बत। तो हम अपने घर पहुँच गए हैं। गाड़ी यहाँ पे खड़ी करते हैं और कपड़े चेंज करके जल्दी से लेस्टर को पैसे देते हैं, ताकि हमें कोई ख़तरा ना हो किसी किस्म का, और फिर लेस्टर हमें अपना हिस्सा दे देगा, उससे हम अपने लिए गाड़ी भी लेंगे और घर भी लेंगे। अपने कपड़े चेंज कर लिए, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। कंटस का इंटीरियर तो अच्छा है, तो हम लेस्टर के घर पहुंच गए। हमारी आल्टो यहाँ पे पुछवा दी थी, यहाँ पे हम लेस्टर को देंगे पैसे और अपनी आल्टो लेके निकल देंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो लेस्टर को हमने पैसे दे दिए, उसने हमें हमारा हिस्सा दे दिया। अगली वीडियो लाजमी देखना, उसमें हम अपने लिए घर लेंगे, और फिर अगर पैसे बचे तो हम अपने लिए गाड़ी और लेंगे। चलें इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।